हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेंगे। महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं और यकीन मानिए, इन 50 प्रश्नों में से 5 या 6 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, ये मैं कह रही हूँ। और सी टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हों, चाहे फिर एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी में इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए, फिर देरी नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अन अकेडमी में आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम आपको इसी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसे भी आप ज्वाइन हो जाइए। और वेबसाइट को आप फॉलो करिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगम की उपलब्धि है, अधिगम की उपलब्धि क्या होती है? ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी अधिगम की उपलब्धि, यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने का मतलब होता है ज्ञान भी उसमें बढ़ता है, अभिवृत्ति भी बढ़ती है, कौशल भी होता है। बुद्ध मापन का स्टेनफोर्ड विनय परीक्षण है, बुद्ध मापन का स्टेनफोर्ड विनय परीक्षण जो है वो कौन सा परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण? तो शाब्दिक परीक्षण है। अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, अंतर्दृष्ट अधिगम से, अवलोकन आत्मक अधिगम से? तो शाब्दिक अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनंत अहलावत खिलौनों को तोड़ता है और उनकी आंतरिक तत्वों को खोल देता है, आप क्या करेंगे? एक बच्चा है जिसका अनंत अहलावत नाम है, वो खिलौनों को तोड़ देता है और उनके आंतरिक तत्व यानी खिलौने के अंदर की जो सामग्री होती है उनको वह निकाल देता है बाहर, तो आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वह ऊर्जा को आप उत्साहित करेंगे, मतलब वो अंदर की चीज़ों को निकाल के उसके अंदर एक जिज्ञासा है कि वो जानना चाह रहा है कि उस खिलौने के अंदर और क्या क्या है, तो उसकी जो जिज्ञासी प्रवृत्ति है उसको हम क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। डायलेक्सिया संबंधित है, डायलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने की अयोग्यता से संबंधित होता है डायलेक्सिया, ठीक है। और ये डायलेक्सिया डिसलेक्सिया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सीटेट में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? देखिए, समताकृति प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है अंतर्दृष्टि अधिगम। अगला क्वेश्चन है इसमें कि आईक्यू के सूत्र में हमें प्रदर्शित करता है, आईक्यू के सूत्र में हमें क्या प्रदर्शित करता है? आईक्यू बुद्धि लब्धि मापन होता है, यानी कि जो बुद्धि को दिमाग को नापने का एक सूत्र होता है उसमें एमए क्या प्रदर्शित करता है? तो मेंटल एज को प्रदर्शित करता है, सीए बटे एमए होता है, ठीक है, यानी एक वास्तविक आयु एक एक काल्पनिक आयु होती है। किसने कहा कि किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है? जो कि किशोरावस्था होती है वो तूफान एवं तनाव की अवस्था है। देखिए, स्टेन हॉल ने कहा है, उन्होंने किशोरावस्था को नाम ही दे दिया तूफान एवं तनाव की अवस्था, ठीक है। और यह क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रचनात्मक शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो रचनात्मक शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त विधि जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। कौन सी विधि? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि जो है वो रचनात्मक शुद्धिकरण के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा नाम से ही पता चल रहा है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति का मौका दिया जाए और उनकी जो भागीदारी है वह सक्रिय की जाए, निश्चित रूप से की जाए, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बाइगोस्की, पियाजे, कोबर्ग, थार्नडाइक? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करना, ठीक है। कोहबर के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो कोहबर के अनुसार बच्चे जो है वो क्या सीखते हैं? तो बौद्धिक विकास के चरण सीखते हैं कोहबर के अनुसार। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो सामर्थ्य का एक समुच्च बुद्धि कहलाता है। एक्चुअली बुद्धि का मतलब होता है ज्ञान का होना, और ज्ञान जब किसी में भी आ जाता है तो सामर्थ्य यानी कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, तो सामर्थ्य का एक समुच्च का होना ही बुद्धि है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? तो वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, यानी वह विधियां जहां अधिगम में यानी सीखने में जो अधिगमकर्ता होता है, जो सीखता है, उसकी अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यानी अधिगम का मतलब सीखना होता है, और सीखना तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आप अंदर से कुछ सोचें। आप तभी कोई चीज सीख सकते हैं जब आप अंदर से, आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं मुझे ये सीखना है, तभी आप उस काम को कर सकते हैं, किसी काम को कर सकते हैं, किसी काम को सीख सकते हैं। यदि आपका दिल, आपका मन नहीं कह रहा वो काम को करने का, सीखने का, तो आप कभी भी उस काम को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि किस एज को जानते हैं? तो 6 से 11 वर्ष की अवधि होती है, उसको मध्य बचपन अवधि के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अपोजिट भी पूछ लेता है कि 6 से 11 वर्ष की जो अवधि है, आयु है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो मध्य बचपन अवधि के नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, किनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है, पियाजे के अनुसार है। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अनुसार है। बाइगोस्की की संतुत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना है। बाइगोस्की की संतुत के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या है? तो बी है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अपने ही कार्य को करने के लिए बच्चे हैं किसका उपयोग करते हैं? भाषा का, वाक, व्यक्तिगत वाक। वाक मतलब बोलना होता है, ठीक है ना, तो भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा क्या है? विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है। जो भाषा है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, ये भी सही है। हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये भी सही है। विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी सही है। लेकिन विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है भाषा, ये बिल्कुल इसका जो है रॉन्ग आंसर होगा कि जो विचार प्रक्रिया उसका निर्धारण भाषा नहीं करती है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन बहुत घुमाता है और उस वक्त हमारे पास टाइम बहुत कम होता है उस चीज़ को समझने का, और वहीं पे हम मिस्टेक कर देते, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कक्षा का प्रजातांत्रिक जो प्रवेश होता है वो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने के पृथक सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने को किससे पृथक नहीं किया जा सकता है? तो सीखने को उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति उतना ही चीज सीखता है जो उसके समाज के दायरे में होता है। सीखने को जनरली हम सामाजिक संदर्भ से समाज के दायरे में जोड़ देते हैं, इसलिए वाइगोस्की ने कहा है कि जो चीज सीखी जाती है वो सामाजिक संदर्भ के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना एक टीचर का कर्तव्य भी होता है, और वो तभी इफेक्टिव टीचर बन सकता है जब वो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे, प्रत्येक बच्चे की आदतों के बारे में, नेचर के बारे में, हॉबीज के बारे में जाने। ठीक है ना, तो एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे या कॉन्टेक्ट में रहे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। यदि लिखने की, सुनने की इस तरह की गलतियां आती हैं तो वो अधिगम में असक्तता की होती है। ठीक है ना, यानी कॉपी में लिखने की जो गलतियां अगर पता चलती हैं तो वो अधिगम में असक्तता की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, तो उसका परिणाम होता है कि उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 26 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेते हैं और देन इसके बाद हम आपके 25 जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, 2 पार्ट में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो देखिए 6 से 11 वर्ष, बहुत सारे इसके नाम है, जस्ट अभी हम मध्य का बचपन भी पढ़ के आ रहे हैं, अब यहाँ पे जो है परिवर्ती बाल्यावस्था भी दे दिया है, बाल्यावस्था भी जो होता है इसी आयु समूह को बोलते हैं 6 से 11 वर्ष को, तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स ये था मोर इम्पॉर्टेंट आपके 26 क्वेश्चन, 4 या 3 या 4 मार्क्स आप नंबर कह लीजिए कि आपके इससे डन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी में आप हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।